सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का जो व्लॉग है, आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज अपनी डिग्री लेने ग्रेजुएशन की। तो मैंने जो कॉलेज है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से पास आउट किया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। तो उस चीज़ के लिए तो प्राउड है मुझे अपने आप पे। तो आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है, हम सारी फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। कभी किसी को टाइम नहीं मिल रहा, कभी किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मेरी एक फ्रेंड है रितु, आज उसको टाइम मिला, मैं भी फ्री हूँ, टाइम निकाल के हम मिल रहे हैं और ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री लेने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम प्रोसेस अपना कंप्लीट करा के डिग्री लेके फिर हम वहाँ पे जाएंगे। राजेंद्र प्लेस पहुँच गई, अब यहाँ से मैं रिक्शा लूँगी, फिर मैं अपनी कॉलेज की तरफ जाऊँगी। वहाँ पर मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। गाइस देखो, मेरी फ्रेंड आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं कॉलेज। हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं अपने कॉलेज की तरफ। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने तूने लाई है? हाँ। तो हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। अब आज आपको मैं अपना कॉलेज घुमाऊँगी। इन सड़कों पर हम जाते थे, ये हमारा झील पार्क है। मतलब जहाँ पे ना, जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था, जैसे लेक्चर के बीच गैप होता था ना, हम इस पार्क में आ जाते थे। क्योंकि उस टाइम पहला होता था ना, क्यों कॉलेज से बाहर भी जा सकते हैं, जब मर्जी अंदर आ सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट इसका ना मतलब क्रेज़ था। उसके बाद फिर हम बोर हो जाते थे, हम कॉलेज रहते थे, फिर तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिर कॉलेज में। तो ये है हमारे कॉलेज के एंटर करते ही व्यू, और इस साइड भी पार्क है, मैं दिखाती हूँ। उधर पीछे भी पार्क है, इतना बड़ा ग्राउंड भी है। अभी तो हम जा रहे हैं, ऑफिस का काम है क्योंकि हमें, तो हम अभी अपना काम कराएंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। ये अंदर का व्यू है, यहाँ पे नेस्कैफे है, उधर पीछे कैंटीन है, यहाँ पे बैठने का एरिया, उसके पीछे भी अभी पार्क है, और ये ऑफिस एरिया है हमारे कॉलेज का। बंद है भाई, कहाँ से जाए। हमने डिग्री ले ली है। अरे सर, अब हमें पहचान गए थे सर। हेलो बोल दिया, हमने डिग्री तो ले लिया, अब आपको थोड़ा सा हम अपना कॉलेज का टूर कराएंगे, ठीक है। तो वो पीछे देख रहे हो शेड, वहाँ हम बैठा करते थे। मतलब जब हमारा कॉलेज, मतलब लेक्चर जब ज़्यादा बीच का गैप हो जाता था ना, हम यहीं बैठते थे, और ठंड में तो हम यहाँ पार्कों के नीचे बैठ बैठ के लंच करते थे। और पीछे भी अभी बहुत बड़ा ग्राउंड सा भी है, उधर भी हम बैठते थे धूप में, मज़ा आता था। और यहाँ पे कैफे एरिया है, यहाँ पे ये देख सकते हो, अब कंप्यूटर लैब है यहाँ पे सारा। और अभी आगे और दिखाती हूँ तुम्हें। रितु बोल ले कुछ कॉलेज के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद कॉलेज आने के बाद। सही बात है। ये साइंस डिपार्टमेंट वालों की बिल्डिंग थी, और ये इधर इस बिल्डिंग में तो हम भी जाते थे अपने लेक्चर्स लेने। बस हम इस वाली बिल्डिंग में नहीं गए क्योंकि ये साइंस वाले बच्चों की थी। ये हमारा स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेंटर है, जहाँ हम कम जाते थे, हमारी फ्रेंड्स थी कुछ स्पोर्ट्स की, वो जाती थी। पर हमने भी इसमें कबड्डी में पार्टिसिपेट किया था, हमारी फ्रेंड्स ने बोला था जो स्पोर्ट्स में थी, और उसमें हमें सेकंड प्राइज मिला था। वो शील्ड भी हमारे पास रखी हुई है ना। हाँ। और अब मैं आपको हमारा, ओ ये भी बन गया, मतलब न्यू चीज़ें बन गई, हम इतने टाइम बाद आ रहे हैं। तो अभी जो है ये पीछे का ग्राउंड है, और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, उसी टाइम बोला जा रहा था पीछे हॉस्टल बनेगा, और सच्ची में सच थी वो बात। देखो हॉस्टल बन रहे हैं वो पीछे के साइड, और फेस्ट वगैरह, हाँ हमारे फेस्ट वगैरह भी यहीं होते थे। बड़ा मज़ा आता, जंगल सा बन गया है। देखो यहाँ पार्किंग एरिया है, उधर भी साइड पार्किंग एरिया था। अब हम आ गए हैं थोड़ा, ये हमारा ऑडिटोरियम है इसके अंदर। और अब लाइब्रेरी दिखाती हूँ आपको, हमारा लाइब्रेरी, वो जो देख रहे हो ना ग्रीन वाला शेड, हाँ यहाँ ये वाली भी बिल्डिंग है, यहाँ भी हम लेक्चर्स हमारे यहाँ लगते थे। और ये हमारा लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, और उसके बगल वाला एनसीसी वालों का रूम है।
ये लाइब्रेरी और ये एनसीसी वालों का रूम और ये कैंटीन का बैक साइड है। बैक साइड भी बड़ा अच्छा है। कॉलेज तो हमारा अच्छा है भाई, नो डाउट। ये पॉन्ड है हमारे कैंटीन के जस्ट पीछे। डिग्री ले लिए, अब हम जा रहे हैं अपने कॉलेज के पीछे। वहाँ बहुत फेमस मैगी मिलती है, बहुत टेस्टी मैगी होती है वहाँ की, तो हम वहाँ की मैगी खाने जा रहे हैं। तो अब दिखाती हूँ आपको, टेस्टी होती है सच्ची में। अभी आपको मैगी दिखाती हूँ। ये हमारे कॉलेज के जो सामने वाला पार्क है ना, वो है ये। और हमने अपनी मैगी पैक करा ली थी तो हम पार्क में आ गए खाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। क्योंकि ना आंटी ने छोटे से स्टॉल वहाँ पर लगाया हुआ है और इतनी टेस्टी मैगी बनाती है ना आंटी, मतलब बहुत लोग उधर खाने आते हैं बहुत दूर दूर से। तो हम पार्क में आ गए थे खाने और ये रही हमारी मैगी। तो अब हम जा रहे हैं घर। अब घर पहुँच के हम आपको कैसे ऋतु को हम कर देंगे बाय बाय। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ, अब यहाँ से जाएंगे घर। तो आज का डे कंप्लीट हो गया, फाइनली डिग्री मिल चुकी है मुझे। इतने टाइम से हम घूम रहे थे, बीच में फिर कोरोना आ गया था, हम ले नहीं पाए थे। तो आज फाइनली डिग्री मिल चुकी है हमें और मेट्रो भी आ चुकी है।